रानी गांगुली ने जीता दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। जी हाँ, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का आयोजन मुंबई में किया गया, जो कि 2024 का है। वहीं रूपाली गांगुली ने भी अवार्ड जीता है और इस अवार्ड शो में आई हैं अपने पति अश्विन के वर्मा और अपनी बेटे रुद्राक्ष के साथ। साथ ही साथ सभी बेहद प्यारे लग रहे हैं। वहीं बता दूं कि रूपाली गांगुली का जो लुक है इस अवार्ड शो के दौरान, साड़ी पहनी हुई ट्रेडिशनल लुक में आई है, बहुत क्यूट लग रही है और फैंस को काफ़ी ज़्यादा मोहित भी कर रही है। बता दूं कि अनुपमा टीवी शो में नजर आने वाली रूपाली गांगुली आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। फैंस ये जहाँ जाती है वहाँ इन्हें प्यार मिलता है। वहीं जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है और इन्होंने जो है अवार्ड्स भी दिखाया है, साथ ही अपने पति और अपनी बेटी के साथ अवार्ड शो करते हुए नजर आ रही। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में रूपाली गांगुली अपने पति अश्विन के वर्मा के साथ पहुंची हुई हैं। जी हाँ, अपने पति अश्विन के साथ पहुंची हुई हैं, साथ ही अपनी बेटी के साथ पहुंची हुई हैं और बहुत ही प्यारी से इन्होंने तस्वीरें भी क्लिक करवाई हैं अपने पति और अपनी बेटी के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं रूपाली गांगुली और अश्विन के वर्मा की जोड़ी।